नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी विषय में दसवीं कक्षा का 21वां एकम हम देख रहे हैं। इसके कवि हैं अमीर खुसरो। जन्म सन 1253 ईस्वी सन और निधन सन 1325 ईस्वी सन यहाँ बताया गया है। पहले तो यह पहेलियाँ और मुकरियाँ क्या हैं इसके बारे में देखें तो पहेली सामान्य रूप से बूझने के लिए होती है। हम पहेली कहते हैं, दूसरे लोग उसका जवाब देते हैं। पहेलियाँ बूझने के लिए होती हैं और मुकरियाँ एक सखी दूसरी सखी को बूझने के लिए कहती है। एक सखी दूसरी सखी से प्रश्न करती है और वे सखी इसका जवाब ढूंढकर बताती है। तो इसी प्रकार आदिकाल की स्वराज्य परंपरा से सर्वथा युक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंग में रंगी हुई है। उनकी पहेली हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान की सुंदर सामग्री भी प्रस्तुत की गई। संकलित पहेलियां और मुकरियां में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित का कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय यहाँ दिया है। उनकी पहेलियाँ में किसी वस्तु को टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अग्रिमित वस्तुओं का पूछा जाता है प्रश्न। मुकरिया में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया गया है। इन पहेलियों में मुकरियों में विनोद के साथ साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी होती है और साथ साथ जिज्ञासा और चिंतन भी जागृत करती हैं ये पहेलियाँ और मुकरियाँ। तो आए हम एक छोटे से काव्य को देखें। पहले हम पहेलियाँ को देखते हैं। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, इसका जवाब क्या होता है? क्या कि जूता पहना नहीं और समोसा खाया नहीं? और जूते तो गर्मी और कांटों से बचाने के लिए हम पैर में पहनते हैं, लेकिन वैसे जूते आज हमने पैर में पहने नहीं, क्यों? और दूसरा, समोसा खाया नहीं, ये पकौड़ी कचौरी उसी प्रकार समोसा भी होते हैं, और समोसा भी खाया नहीं, इसका कारण क्या होता है? तला, जूते का तल, और तला का दूसरा अर्थ होता है तलना। अब जूते के पैर के नीचे जो तलिया अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हम उसको पहनते नहीं, और ये समोसे हैं उसको तल में तला जाता है और तलने के बाद वह खाने के लायक योग्य होता, लेकिन ऐसे समोसे को तला नहीं, इसलिए कच्चे समोसे हम खाते नहीं। तो जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? मतलब इसको तला नहीं था, जूते को तल न होने के कारण न पहना और समोसा को तला नहीं, इसलिए खाया नहीं। देखिए दूसरा, अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा अनार, एक फल।
और वजी मंत्री के रूप में, मंत्री। भाई दूसरी पहेली है कि अनार क्यों न चखा, तो अनार एक फल है जिसे हम दाढ़ी बोलते हैं, इसके अंदर लाल लाल रंग के दाने होते हैं, वे खाने के योग्य होते हैं। लेकिन यहाँ क्या कि अनार क्यों खाया नहीं और वजीर क्यों न रखा, अनार को खाया क्यों नहीं और वजीर को रखा क्यों, तो इसके अंदर जवाब है दाना न था। देखिए एक शब्द है दाना, अनार के दाने, अनार के दाने, और दाना, दाना का क्या है, दाना है, हाँ, बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान, समझदार, होशियार। तो दाना अनार को तोड़ा लेकिन अनार के अंदर दाना नहीं था, तो उसके खाल तो अकेले खाई नहीं जाती, खाने के योग्य भी नहीं है, तो अनार क्यों नहीं खाया, इसके अंदर दाना नहीं था। और दूसरा है वजीर क्यों न रखा, अब वजीर मतलब राजा का मंत्री, अब मंत्री तो राजा से भी होशियार होता है, क्या मंत्री तो राजा भी से होशियार होता है, इसलिए मंत्री बुद्धिशाली, ज्ञानवर्धक और बड़ा समझदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ मंत्री के अंदर बुद्धि नहीं, समझदारी नहीं, ज्ञान नहीं, और ऐसा मंत्री रखकर राजा करे भी तो क्या करे, इसलिए यहाँ बताया कि अनार क्यों न खाया, वजीर क्यों न रखा, मतलब दाना नहीं था, अनार के फल में दाना नहीं था इसलिए नहीं खाया, और दाना मतलब बुद्धि, मंत्री के अंदर बुद्धि नहीं थी इसलिए उसके रखा गया नहीं। देखें रोटी जली क्या, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। देखें रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, अड़ा रुकना, अड़ जाना, टसे मस ना होना, और पान खाने वाला, अब अमीर खुसरो ने ये तीसरी पहेली में बताया कि रोटी जली क्या, माँ या बहन जब तवे पर रोटी बनाती हैं, रोटी पकाती हैं, तब वही रोटी को दो तीन चार बार उलट पुलट करना पड़ता है, जैसे उसके अंदर तवे में डाली और वैसी की वैसी उसको पड़ी रहने दोगे नहीं तो वह रोटी जल जाएगी, खाने के लिए योग्य रहेगी नहीं, और वह रोटी बनती ही नहीं, पकती ही नहीं, इसलिए उसको बार बार फेरना पड़ता है, उलट पुलट करना पड़ता है। घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा तो एक सवारी का साधन है, पहले के समय में यह वाहन व्यवहार नहीं था, तब ऊंट घोड़े बैलों से काम लिया जाता था, अगर एक घोड़े को अगर हमने पढ़ाया नहीं, उसे सिखलाया नहीं, उसे हर रोज दौड़ाया नहीं, तो वह घोड़ा आलसी बन जाता है, काम करने लायक होता नहीं, इसलिए घोड़े को हर रोज सुबह में दो तीन चार किलोमीटर चाहे काम हो तो भी और काम न हो तो भी दौड़ाया जाता, अगर न दौड़ाओ तो बैठा बैठा आलसी बन जाता है, समय आने पर वह दौड़ सकता नहीं, थक जाता है, इसलिए फेरा न। पान सड़ा क्यों, पान ये जो मुखवास में हम लेते हैं वही पान, वे पान एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसी प्रकार ढेर लगता है, लेकिन ये पान को दिन में दो बार उलट पुलट करना पड़ता है, अगर हम उलट पुलट नहीं करते तो इस पान के अंदर जो दाग लगा है इसी के माध्यम से दूसरे पान भी सड़ जाते, और सड़े हुए पान का सड़ा हुआ भाग काटना पड़ता है हमें, तभी पान सुरक्षित रहते। तो ये तीनों का एक ही जवाब है, क्या फेरना, फेराना था मतलब
उलट पुलट, न किया। ये तीनों बाबत को जब उलट पुलट करते हैं तो ही ठीक रहता है। रोटी को हम फेरते नहीं तो रोटी जल जाती है, घोड़े को हम फेरते नहीं तो घोड़ा भी अड़ जाता है, और पान को हम उलट पुलट ऊपर नीचे या फेरते नहीं तो वह भी सड़ जाते हैं। चौथी मुख पहली देखें, एक नारी के दो बालक दोनों एक ही रंग, एक ही रंग मतलब एक जैसा रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे, टाढ़ा मतलब स्थिर, टाढ़ा मतलब स्थिर, और एक शब्द है चक्की, आटा पीसने का साधन, आटा पीसने का साधन, और पाट पल्ले, पाट पल्ले, पाट मतलब पल्ले। तो देखें कि एक नारी को दो बालक दोनों का एक ही रंग, एक फिर एक टाटा रहे फिर दोनों संग, इसका जवाब क्या होता है? चक्की, जो हम आटा पीसते हैं वही साधन। ये आटे पीसने का साधन, उसके दो पार्ट होती हैं, एक पार्ट ऊपर रहती है एक पार्ट नीचे रहती है। नीचे वाली पार्ट है वह एकदम स्थिर है, वह हिलती डुलती चलती नहीं, और ऊपर वाली पार्ट है वह गोलाकार घूमती है, हम हाथ के माध्यम से उसे घुमाए तो वह गोल गोल फिरती। तो एक नारी कौन है? यहाँ चक्की, उसके दो बालक, तो दो बालक कौन? ऊपर की पार्ट और नीचे की पार्ट, दोनों एक जैसे, दोनों समान, फिर भी एक पार्ट चलती है और एक अड़ी रहती है, एक रुकी रहती है। तो क्या है इसका अर्थ? चक्की, कि चक्की के अंदर दो पाने होते हैं, ऊपर का नीचे का, हम इसके अंदर दाने डालकर उसको घुमाते हैं तब वह दाने को पीसती है। वह पूरे दिन घुमाओ पूरे दिन चलती है, लेकिन फिर भी ये दोनों पार्ट एक साथ रहते, इसलिए इसका जवाब क्या है? चक्की के पार्ट। देखिए पहला कि जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, इसका अर्थ क्या है? तला नहीं। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, मतलब दाना न था। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, क्योंकि उसको फेरा नहीं। एक नारी के हैं दो बालक दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग, इसका जवाब क्या होता है? चक्की की दो पार्ट। अब देखते हैं हम मुकरिया के बारे में, मुकरिया में एक सखी दूसरी सखी को बुझने के लिए कहती हैं, और ऐसी मुकरिया विनोदपूर्ण भी होती हैं। देखिए, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। देखिए एक शब्द है यहाँ, मन का भारी मतलब मन के आकार का, और सखी सहेली, दूसरा अर्थ क्या बताया इसके अंदर? तपन, तन की गर्मी। दूसरा शब्द क्या है? और मन का भारी, मन के आकार जैसा। जल पानी। देखिए पहली मुकरी कि जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। कि जब मांगू तब जल भरे लाए, यहाँ दो बात है, साजन और लोटा। हम जब प्यास लगती है
ये प्यास बुझाने के लिए हम जब पानी मांगते हैं तो एक छोटा सा बर्तन होता है लोटा, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पानी होता है, और ये लोटा वाला पानी पीने से हमारी प्यास बुझती है। तो एक बात है यहाँ लोटा, दूसरी बात साजन को भी कहा जाता है, साजन मतलब पति। मैं हैं जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। यही साजन भी मन की प्यास बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, इसके अंदर पानी ज़्यादा रहता है लेकिन इसका शरीर कितना है, छोटा है। ये सखी साजन ना सखी लोटा, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि इसका अर्थ क्या होता है, साजन। क्योंकि लोटा और साजन एक जैसे, लोटा भी अपने अंदर जल से प्यास बुझाता है, साजन भी अपने प्यार से उसके मन शांत करता है। दोनों मन के भारी होते हैं, तन के छोटे होते हैं। एक सखी कहती है कि सखी साजन, तो दूसरी सखी कहती है कि ना इसका जवाब तो साजन नहीं, इसका जवाब तो क्या है, लोटा। देखिए, वे आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा हो और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। देखिए शादी ते विवाह, शादी मतलब विवाह, दूजा दूसरा बोल आवाज। साजन मतलब पति, साजन मतलब पति। लेकिन दूसरी मुकरी के अंदर अमीर खुसरो ने कहा कि वो आवे तो शादी होए। अब शादी में साजन की भी जरूरत रहती है और ढोल की भी आवश्यकता रहती है। ढोल के अलावा शादी का प्रसंग अच्छा चलता नहीं, कोई आनंद नहीं मिलता, इसलिए शादी के अंदर ढोल आवश्यक है। दूसरी बात, साजन के बिना भी शादी नहीं हो सकती। अगर साजन न आए तो सजनी को हम किसके साथ फेरा ले? इसलिए कहा है यहाँ कि वो आवे तो शादी होए, ढोल आवे तो भी शादी होती है और पति आते हैं तो भी शादी होती है, इसके बिना ये शादी संभव नहीं है। उस बिना दूजा और न कोई, ढोल के बिना अन्य दूसरे वाजिंत्र रखो नहीं तो भी वह ठीक लगते नहीं, अच्छे लगते नहीं, और साजन के बिना भी कोई किसी और के साथ शादी हो सकती नहीं। मीठे लागे वो के बोल, दोनों के बोल मीठे होते, साजन भी अपनी पत्नी से मीठी भाषा में बोलता है और ढोल की आवाज़ भी मधुर होती है, वह कर्कश नहीं होती, दोनों सुनने में अच्छे लगते हैं। ए सखी साजन ना सखी ढोल, तो सखी कहती है कि इसका अर्थ तो साजन होता है, सखी कहती है साजन नहीं ढोल, कि ढोल के बिना यह शादी संभव नहीं। अब देखें, अति सुरंग है रंग रंगीले, सुरंग मतलब अच्छा रंग है, गुणवंत बहुत चटकीला, वह गुणवान भी है, उसका रंग घेरा घट्टा चमकीला है। राम भजन बिन कभी न सोता, वह राम के भजन बिना कभी सोता नहीं। ये सखी साजन ना सखी तोता, सखी कहती है कि इसका अर्थ भी साजन होता है, तो दूसरे सखी ना कहती है कि साजन नहीं, इसका अर्थ क्या है, तोता। तो देखें, तोते का रंग हरे रंग का होता है, नीले रंग का होता है, उसकी चांच लाल होती है, सुंदर पक्षी है वह, देखने में भी अच्छा लगता है, और ये रंग रंगीले, गले में काला रंग भी होता है, पैर उसके लाल होते हैं। तो इसी प्रकार यह सुंदर पक्षी हैं, गुणवंत बहु चटकीला, और गुणवान भी हैं और चुटकीला भी हैं, चटकीला भी हैं। राम भजन बिन कभी न सोता, और तोता एक ऐसा पक्षी है कि आप उसको जो पढ़ाओ वह पढ़ेगा। ऐसे पढ़े हुए तोते को तुम राम नाम जपाओगे, राम नाम पढ़ाओगे ना, तो हर रोज़ वह सोते समय
राम नाम का जाप करेगा और राम नाम लिए बिना कभी सोता नहीं। साजन भी ऐसा है, न सकी साजन ना सकी तोता। सकी कहते हैं साजन के, ना इसका अर्थ साजन नहीं, इसका अर्थ क्या है? तोता। तो देखें यहाँ पहली और मुकरियों को हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके प्रश्नोत्तर देखें, लोटा क्या क्या करता है? तो जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भरकर ला देता है, वह लोगों की प्यास बुझाता है। लोटा रखने में तो छोटा लगता है पर उसमें पानी काफ़ी रहता है, लगता है छोटा। ताला शब्द, तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज़ को गर्म तेल में तलना और दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा या भाग। वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है? वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं। ताला न होने से, तला न होने से क्या क्या नहीं हो सकता? तो तला न होने से हम जूता पहन सकते नहीं और समोसा खा सकते नहीं। फेरे न जाने से क्या क्या होता है? तो फेरे न जाने से रोटी जल जाती है, घोड़ा अड़ जाता है और पान सड़ जाते। पहली और मुकरियों में क्या अंतर है? तो देखें पहली सामान्य रूप से केवल बुझने के लिए होती है, जबकि मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कुछ बुझने के लिए कहती हैं। तो एक मुकरियाँ और पहलियों में इतना फर्क। तो मित्रों आज हम ये मुकरियाँ और पहलियाँ, ये 21 का नंबर का काव्य है, हम उसे समाप्त करते हैं। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है, जो व्याकरण कुछ हैं, वह सब अपने नोटबुक में लिखें। थैंक यू।